हजूर मेरा सवाल था कि आजकल इंसान अपने बहुत सारे फैसले आ, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर इहसार करते हुए करता है ये टेक्नोलॉजी जो है ये इखलाकी किरदार को मद्देनज़र नहीं रखती तो क्या इंसान को किस हद तक इसके ऊपर इहसार करना चाहिए जहाँ ये तो आपने देखना है आप दीनदार आदमी हैं कि जहाँ दीन की तलीम से परे हट रहे हैं जहाँ अखलाकी अकदार से परे हट रहे हैं इस्लाम इस्लामी अखलाक क्या हैं इस्लामी अखलाक तो कुरान करीम में बयान हो गए सारे या हादिस में सुनत से साबित हो गए सारे अगर उनसे परे हट के जा रही है कोई चीज़ तो वो गलत है उसमें वहाँ आप रुक जाएँ कुरान करीम में भी लिखा है इंसान साइंस में तो रिसर्च करता है तरक्की करता है इंसान तरक्की कर लेगा इस हद तक तरक्की कर लेगा कि जो अल्लाह बनाई मखलूक है उसमें तब्दीली पैदा करने की कोशिश करेगा और वो क्लोनिंग जो है उसका एक नतीजा है अब क्लोनिंग एक साइंस है उसका नतीजा भी अल्लाह ताला कहता है दिमाग भी मैं खोलता हूँ तो मैं देता हूँ जो भी दिलाता हूँ लेकिन क्लोनिंग जो है या अल्लाह ताला की मखलूक में बनावट में तब्दीली जो है उसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता और उसमें बताया कि तुम कर लोगे ये काम लेकिन इसका नतीजा ये निकलेगा कि तुम जानों में जाओगे तो ये चीज़ देखने वाली है कि कहाँ तक हमने अमल करना है किन किन चीज़ों पे जहाँ एक बैरियर मुकर करना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या हमें फ़ायदा कहाँ तक हो रहा है जहाँ हमारी नुकसानदेह हो रही है जहाँ हमारी तालीम से हमें हट आ रही है जहाँ हमारे अखलाक ख़राब होने की कोशिश हो रहे हैं वहाँ हमने रुक जाना है तो ये बैरियर तो आपको खुद बनाना पड़ेगा ठीक है